नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पंजाब में दो मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर चुनाव लड़ रहे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सूबे में शियद बसपा गठबंधन की सरकार बनती है तो बसपा से एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि प्रदेश में शियद बसपा गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक मायावती की अगुवाई करने वाली पार्टी बसपा से होगा। बंगा में लोगों के एक समूह को संबोधित करने के बाद सुखबीर सिंह संवाददाताओं से बात करते हुए ये कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं ये घोषणा कर चुका हूँ कि एक मुख्यमंत्री बसपा से ही होगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 2022 के होने वाले चुनावी रण में शिरोमणि अकाली दल पहली बार भाजपा के बिना चुनावी मैदान में उतर रहा है। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने अपने 24 साल पुराने राजनीतिक सहयोगी कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था। इससे पहले अकाली दल ने पहले कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो अनुसूचित जाति के एक विधायक और एक हिंदू विधायक उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पंजाब में सबसे अधिक हिंदू वोटरों की संख्या है। सूबे में हिंदू वोटर 38.49% है। इसके बाद 31.94% के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर दूसरे नंबर पर है। वहीं जाट और सिख 19% वोट के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे के समझौते के अनुसार बसपा पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 20 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि शेष पर अकाली दल चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस भी शियत के फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस ने भी आलाकमान ने दो मुख्यमंत्री लगाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।